अरे संभाल लेंगे, यदि आप संभाल लेंगे तो ये बैठे इनको ले जाओ, उनका समाधान करो। अगर आप हमको बताना नहीं चाहते हो तो आप समाधान करो, इनका जो भी समाधान है हमको कोई मतलब नहीं क्या समाधान करते हो। जब ये हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं साहब कल से ताले लगे हुए हैं ऑफिस में, और आपने हमको तो मैसेज दिया नहीं, किसी ने बता किसी को दिया हो तो कि साहब ये समस्या आ रही है, फिर समाधान कौन करेगा मेरे को ये समझाओ। या तो आप करो उसको समाधान, जो भी करते हो, मैं ये नहीं कर रहा ये करो, जो भी आपका रूल रेगुलेशन है या तो समाधान करो इनका। पहली बात, आपका ऑफिस प्रॉपर रनिंग में चलना चाहिए, वो गवर्नमेंट उसमें ताला लगाने का अधिकार किसको है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ मेरे को। जब आप कमिश्नर हो उसके तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है भाई, पहले तो आपकी जिम्मेदारी बताओ, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। हमारे ऊपर तो बाद की बात है, हमको तो जब आप बताओगे साहब ये समस्या आ रही है मेरे सामने, अब आप इसमें चाहे तो मीडिएटर का काम करें, चाहे आगे जो भी एज एस डी ओ के रूप में काम, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करें, तो हम तो तब करेंगे जब आप कहोगे हमको, आपकी समस्या बताओगे। पर आप बताओगे नहीं तो कैसे समाधान होगा ये बताओ। अब ये लोग मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ हो पहले तो। नहीं तो चार देंगे, तो जिनको चार देंगे उनको भेजो यहाँ। मेरे को बताया साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया समाधान। जब समाधान हो गया तो फिर क्यों स्थिति पैदा हुई, या फिर उनकी कोई समस्या थी तो मेरे को बताते तो सही। साहब ये लोग ये कह रहे हैं इनकी ये डिमांड है, तो मैं उनसे पूछता अगर जाए डिमांड होती तो अनावश्यक एक मुद्दा बनता है तो उसका समाधान कौन करेगा मेरे को ये समझाओ। तो जो आपका आप जिसको जिस एक तो जिसको चार देखा है उसको भेजो मेरे पास यहाँ ऑफिस में भेजो सबसे पहले, और दूसरा अगर ताला बंद है तो तुरंत ताला खुलवाओ पहला काम, और नहीं तो मुकदमा दर्ज कराओ अगर कोई आदमी परेशान करता है नगर पालिका स्टाफ को। तो पहली बात तो सरकारी आदमी तो हड़ताल कर नहीं सकता, और प्राइवेट यदि कोई भी आदमी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये मजाक थोड़ी बनेगी अपने ऑफिसों की, ताला खुलवा को बताओ तो ताला खुलवा के मेरे को रिपोर्ट करो, और आपका जिसको चार्ज है उसको मेरे पास भेजो। मजाक ना रखी किसी चीज की, ऐसे थोड़ी होता है कोई काम। मेरे को बताएंगे तो मैं समाधान करूंगा। लोगों ने बात सुनी, उधर सभापति जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बात रखी थी, उनको जो इस्तीफा लगा उन्होंने कहा ठीक है साहब हम संतुष्ट हैं। दूसरे एसआई से बात की थी, आपको कोई आपत्ति? मैं यही तो कहना था ना, उसके बाद मेरे पास सर, कोई फोन नहीं आया सर, वो ये कह रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करवाइए सर। मैं वही बोल रही, उसके बाद मेरे पास सिर्फ कोई से पत्रकार बंधु को कि साहब ये हुआ है वहाँ लोग बंद हो गए, तो मैंने कहा यार आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो नगरपालिका से मैसेज आएगा मेरे पास तो हम समाधान करेंगे उसका जो भी होगा। एक्चुअली क्या साहब राम रूप ने उनको भड़काया, मैं नहीं कह सकता सर ये, और कहता है कि माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे सारी वीडियो है मेरे को, मेरे को तो नगर परिषद स्टाफ बताए तो सही, अभी तो मैं उसका समाधान। सरयाम साहब सरकारी कार्यालय में कोई धूम्रपान कर सकता है, शराब पी सकता है क्या? शराब के वीडियो आपके सोशल मीडिया में चल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ऑफिस में बैठी है कौन सा ऑफिस है आपका? उसमें लाइव में साहब सब लाइव में सब सोशल मीडिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं होगी, दर्ज करवा दिया साहब। हेलो एक पार्षद ने अगर यूँ कह दिया उसमें तो इन्होंने एफ आई आर कर दी। अगर कोई मेरे को बताता साहब इनकी कोई ग्रीवेंसेज है, इनकी समस्या है, या ऐसा ही बताता साहब उनको सुनो वो उनको प्रॉब्लम है, तो ही तो मैं सुनूं। उनका एक नेता मेरे और गौरव के, गौरव से ऐसे शब्द कहे मैं आपको यहाँ मीडिया के सामने नहीं बता सकता, तो मैंने उनसे ये कहा है अगर रिकॉर्डिंग भी होगी तो उसमें एक ही चीज आ रही होगी कि ये गलत बात है, आप दारू पी के ऐसी बदतमीजी से बात करो, हम भी पार्षद हैं, ये गलत बात है। पहली बात तो आपको किसी ने बुलाया नहीं, केवल इनको बुलाया एसआई साहब को, हम वार्ता कर रहे हैं, देखिए एसआई साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ आए, तो मैं सर आपके साथ आए हैं तो क्या आप इन पर गाली दिलवाओगे दारू पिलवा के हमको? नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्यों लाए फिर इनको? ठीक है हम सभी जा रहे हैं,
ये सबसे अगर कोई भी शब्द ज्यादा होना तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ वो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो पार्षदों के भड़ुए अड़ुए जन क्या क्या बोल रहे हैं वो आपके पास वीडियो भेज दिए मैंने, और सभापति के लिए कहा तो हम सामने पिंटू क्या चाहिए उसको सजा नहीं देने तो आगे भी ऐसे ही करेंगे लोग, वो आपसे करेंगे आज आगे तो आगे नहीं होगा भविष्य में पूरी ग्रुपिंग कर लेता है एक दिन कहता सारे मेरे आदमी को एक दिन में सब कर नगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है हकीकत, तो ऐसे लोग है जो जन्म मर गए ना जिनकी नौकरी लगी है उनका, उनको कोई मतलब नहीं है। आपने एक बात कही थी भाई किसी को कोई आपत्ति है उनसे पूछा था ऐसा हिसाब से, भाई किसी को कोई आपत्ति है कोई आपत्ति नहीं है तो पार्षदों आप जाओ आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम आपके कहने से चुपचाप चले गए, उनसे कही कि कोई आपत्ति नहीं है ठीक है तो आप अपने घर जाओ कल से काम अपना स्टार्ट करो, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलेगा। इसके बाद इन्होंने मीटिंग करके FIR दर्ज करवाई हमारे खिलाफ के हमसे गाली गलौज करी है ये फलाना किया हम आप वीडियो अगर मैंने किसी के साथ बदतमीज किया कुछ भी किया जो आप सजा दोगे हम तैयार हैं, एक भी चीज मेरी आ रही हो इस चीज के लिए केवल ये इसके कहने के अलावा मैंने ये काम है भाई साहब दारू पी के बदतमीजी मत करो ये बहुत गलत बात है, आप बदतमीजी नहीं करोगे हमारे पार्षद के साथ बदतमीज करने ये चीज नहीं करोगे, इसके अलावा कुछ भी उन्होंने लगाया कि हमसे ऐसे कहा है उनकी वीडियो मैंने भेजी है, उन्होंने जो गाली गलौज करी है पार्षदों से अड़ुआ भड़ुआ जो भी कही है और फिर ये कही है कि चेयरमैन को तो हम सौम्या गुजर बना देंगे दो मिनट में, और हम बताएंगे ऐसा ही नहीं कही है उसमें जो सारी चीज उसमें आ रही है वीडियो में कही है रिकॉर्डिंग है उनको सजा मिलनी चाहिए सर सर हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम नीचे बैठे आप ऊपर बैठे हो, हम तो ये चाह रहे हैं एक मैसेज जाना चाहिए गंगापुर शहर कि गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस हो नगर पालिका हो चाहे तहसील हो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, गवर्नमेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम भी एक जनसेवक है, ऐसा थोड़ी हम गाली खा करके काम करेंगे, आपका केवल आपसे कुछ नहीं चाह रहे एक डिसिप्लिनरी एक्शन चाह रहे हैं बस आपसे जो आप कर सकते हो ताला तो अभी खुलवा देते हैं और इस पे जांच करवाते हैं उसके बाद कार्रवाई करवा लेंगे उसकी प्राथमिक जांच होगी ऐसा नहीं होता हम बैठे सर उससे बोला कि पूछो आपने बोला कि नहीं बोला वो हाँ करता है ना करता है अपने आप प्राथमिक जांच में बयान होंगे उनके भी होंगे ठीक है हम आपकी बात को मान रहे चले जाएंगे और वो ताड़े को तो तुरंत खुलवा दो अभी और दो दिन के बाद में उसमें सजा आपको देने के लिए बिना जांच के कोई कार्रवाई करेगा वो कोर्ट में चला जाएगा हमारी बात नहीं जाएगी समस्या आपके सामने आई है इसीलिए आप लोग यहाँ हैं पहली बात बिल्कुल सही आप चाह रहे हो इसका समाधान हो जी सर जी दूसरा दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो हम भी इस चीज से सहमत हैं ऐसा नहीं हम सहमत नहीं हैं
सबसे बड़े अधिकारी साहब साहब हम ये निवेदन अगर गलत है तो जो भी एक दिन दो दिन में बयान चाहे उसके कर्मचारियों के लोग उनके कमिश्नर के लोग उनके जो भी दूसरे सफाई कर्मचारी उनके बयान हो जो वास्तव में दोषी है चाहे आप सस्पेंड करो चाहे आप चार्जशीट दो चाहे जो भी आपको उचित लगे वो कार्रवाई श्रीमान करें कोई बात में विरोधाभासी स्थिति भी पैदा हो जाती है और उसके लिए ही हम प्रशासन का काम यही है दोनों पक्षों को सुने और कोशिश करें किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाल के दोनों का पक्ष दोनों का हित प्रभावित न होते हुए इसका समाधान हो। उस समय हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या किसी की कोई मान हमने दोनों पक्षों को समझाइश करके और सहमति से उस काम चालू करें आगे कोई ऐसा कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं आएगी। आज जो स्थिति आप बता रहे हो वो एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई। दूसरी स्थिति इसलिए पैदा हो गई मुकदमा दर्ज हो गया तो मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी जो आप बता रहे हो पनिशमेंट वाली चीज पहली बात तो उसकी तो पुलिस जांच करती है हम जांच उसकी मुकदमे की करेंगे भी नहीं लेकिन आपके साथ मुकदमे के अलावा दूसरे जो पहलू हैं जिन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और वो जैसे ऑफिस को लॉक किया ऑफिस किसने लॉक किया किसके कहने से लॉक किया काम क्यों नहीं कर रहे ये इशू दूसरे हमारे प्रशासनिक इशू हैं हमारे प्रशासनिक इश्यू हैं इन पे जांच साफ करें और इनको ही पावर है ये स्वाभाविक बात है इन पे पुलिस को मतलब नहीं है कि ऑफिस बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ कैसे बंद हुआ ये साफ जांच करें और साफ जो भी इनको लगे ये पनिशमेंट होना चाहिए वो साफ बता दें ताकि सर आपसे निवेदन कर दे कल आपने कहा किसी का हित प्रभावित नहीं हुआ हाँ। उनने शराब पी रखी थी हमने आपसे कहा था कि आप मेडिकल करवाओ सर पुलिस बुला के इनका मेडिकल करवा दो जब आपने कहा कि कोई बात नहीं है सामंजस्य बन जाने दो और होने दो तो हम आपकी बात को सुन करके बाहर आ गए फिर उनने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके खुले चैलेंज में उनने कहा था कि पार्षद हड़वे क्या है मैं बताऊंगा औकात और जयपुर की शोभा गुजर बना दूंगा मीडिया में खुले में चैलेंज किया अगर समझा दो उस चेयरमैन को ये कर दूंगा मेरे पास कर दूंगा वो कर दूंगा उसके बाद में उसने कहा वही किया जाकर के झूठा एसटीएससी का मुकदमा दर्ज करवाया सर हम तो आपके विश्वास कर गए नहीं सही है हम आपको कॉपी दे चुके हैं सुबह मुकदमे का पार्ट में बता दे तो मुकदमे की हमारे फरवाइड ये है हमको 20वें जेल में भेज दो कोई दिक्कत नहीं सर मुकदमे का हमने दोनों ग्रहण कर लिया मुकदमे की नहीं कर सही बैठो बैठो किसी प्रकार का किसी से गलत चीज अगर किसी ने नहीं की है तो चीज नहीं होगी बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ठीक है किसी को गलत नहीं इसमें फंसाया जाएगा बिल्कुल फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी अगर किसी की गलती है तो उसको सजा दी जाएगी ठीक है मुकदमे में किसी का पक्षपात नहीं होगा ये मैं आपको नहीं सर मुकदमे की नहीं एक लोक सेवा मुकदमे की क्या सर मैं तो बात सुनो अरे यार मेरी बात सुनो उनको सबसे बड़ा गुरूर क्या था कि मैं 3A का लगा दूंगा मुकदमा मुकदमे में ये 3A से हमको बता दिए ना भाई इन्होंने साहब तो सही है जी साहब ने कोई एक बात अरे मुकदमे में फिर लगाए थे आपने यार सुनो आपके हमने पक्ष सुन लिया दो दिन में आप दो दिन में नहीं वाला नाट्य कर रहा है
हमारी बातों का फैसला तो आप दो दिन में कर ही रहे, लेकिन जो अभी ताला लगा है उस पे तो कार्रवाई अभी कर रहे हैं। सुनो सुनो मदन जी बोल रहे हैं, हम सभी वार्षिक में बैठे हुए हैं, आपने जो दो आदमी तीन आदमी जो है अपॉइंट कर दो और वो बात कर ले और अपन बैठे और जो भी कोई अपनी बात है उन तीन आदमियों को बता दो वो आपस में बात करके और जो भी कुछ डिसीजन। अब देखो बात सुन लो, मैंने तीन आदमी अपॉइंट कर दो, सुन लो बात, सुन लो बात, सुनोगे ना सुन लो सही है आपकी बात। डिप्टी साहब ने आपको क्लियर कर दिया एफआईआर के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। एसडीओ साहब ने क्लियर कर दिया दो बातें, एक तो एफआईआर की है उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, अगर झूठी है शिकायत तो एफआईआर लग जाएगी, चालान पेश हो जाएगा, इसकी प्राथमिक जांच है जो तहसीलदार जी कर लेंगे दो दिन में, ठीक है ना। और एसडीओ साहब को इसके संबंध में जांच पावर है 17 में, ठीक है ना। अगर एसडीओ ये तहसीलदार जी ये पाते हैं कि साहब फला फला दोषी है, उनको चार्जशीट जारी कर देंगे, ठीक है ना, ये हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा सुनो, हर चीज का सरकारी तरीका होता है, ठीक है ना। आज कहीं कुछ भी हो गया है ना, अगर अपराध करते हुए किसी ने सबको ने देख भी लिया तो ड्यू प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने के बाद ही कार्रवाई होती है, ठीक है ना। तो ये है बात। अब सुनो आप सारी बातें सबने कह दी है, ठीक है ना, और हमने सुन ली है। अब देखो ये एसडीओपी से इसकी गरिमा है, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, नाजिम है पूरे सब डिवीजन के, इस कार्यालय की ये कोर्ट है, इसकी गरिमा है, ठीक है ना। और आप लोगों ने काफी कुछ बात बता दी है, ठीक है ना। अब इसकी हम भी ये चाहते हैं कि इसकी गरिमा को बनाए रखते हुए ना, अब आप सर सम्मान है ना यहाँ से पधारे, हमने आपको कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। तहसीलदार जी सर, आप पकड़ो सर, एक ताला हम खुलवा देंगे। तहसीलदार जी उस पे कार्रवाई तो करो सर, अब सरकारी डिपार्टमेंट को बंद करके बनाना चाहते हैं सर, आम जनता परेशान है। एक लोक सेवक, एक सरकारी लोक सेवक जांच कर रहे हैं वो सर, एक वही तो बता रहे हैं। आप बयान दे देना तहसीलदार जी को, तहसीलदार जी आप इनके बयान नोट कर लेना, सब बयान जिस जो 188 का जो इस्तगासा आप दर्ज करवाओगे उनके खिलाफ वीडियो है हमारे पास में, जो धूम्रपान कर रहे हैं सरकारी ऑफिस में, या हम पार्षद गण करवाएं आप, ये पूछना चाह रहा हूं मैं, तो आप करवाओगे या हम दर्ज करवाएं कोर्ट से, और ये डिपार्टमेंट बंद है उसकी खिलाफ लोक सेवक, सरकारी लोक सेवक कभी भी सरकारी कार्यालय में धूम्रपान शराब जांच करेंगे, धूम्रपान पे भी करेंगे, ताले पे भी करेंगे, गाली गलौज पे भी करेंगे, ठीक है ना सर। दो दिन बाद अपन मिलेंगे, जिसमें IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के है वो रेलवे के अधिकारी आए हुए थे, लेकिन आप भी आपको तवज्जो देते हुए हमने सर एक बार भी आगे गेटिंग सब आगे और पदम जी।